समझाया है। एक जगह फरमाया के वसारी वसारी कतुफक्तौ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट दिया जाए। अच्छा, अब हाथ किसको बोलते हैं? यहां से लेकर के ये पहुंचे तक ये पूरे के ऊपर हाथ का यद का इतलाक होता है। अब कुरान हकीम ने कहा कि चोर और चोरनी का हाथ काट दो। सवाल ये है कि हाथ कहां से काटा जाए? यहां पहुंचे से काटा जाए या यहां मिर्फक से काटा जाए, केहूनी से काटा जाए या यहां रुस्त से काटा जाए, किस जगह से काटा जाए? अरे भाई ये भी हाथ है, ये भी हाथ है और ये भी हाथ है, पूरे का नाम हाथ है, तो हाथ कहां से काटा जाए? जाहिर है कि यहां इतलाक पर छोड़ दिया गया है आयत को। जाहिर है कि इसकी तकीज जरूरी है, मुतलक की तकीज जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल हुदूद के अंदर लाए, इस मुतलक की तकीज की गई है, इस मुतलक को मुकय्यद किया गया हदीस। हदीस इस तरह वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि चोर का हाथ काटा जाएगा एक चौथाई दीनार की वजह से। अगर एक ऐसी चीज चुराई है जिसकी कीमत रुपए दीनार होती है, एक बटे चार दीनार की कीमत के बराबर उसने चोरी की है, तो उसका हाथ काटा जाएगा। कितने पर हाथ काटा जाए उसको मुतय्यन किया गया, इसलिए कि कितना भी चोरी कर ले तो भी हाथ काट दिया जाएगा। ये भी मुतलक है, इसकी तकीज जरूरी है। और कहां से हाथ काटा जाए? आपने फरमाया रुस्त से हाथ काट दिया जाए, ये इस मुतलक की तकीज हुई। इसी तरह आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथ्लु हज़्ज़िल उन्थयैन। अल्लाह वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, चाहे बेटी हो या बेटा, बेटे को दो हिस्सा और बेटी को एक हिस्सा, बेटे को दो हिस्सा बेटी को एक हिस्सा। सवाल यह है कि अगर बेटा काफिर हो जाए तो? काफिर हो जाए तो आयत करीमा मुजमल है। अब मुजमल की तफसील चाहिए, मुजमल की तफसील चाहिए, इसलिए कि अगर बेटा काफिर हो जाए तो हदीस इस तरह। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरीके से हमें कुरान हकीम का मफहूम समझाया है। आइए हदीस देखते हैं। वा अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यरिथुल मुस्लिमुल काफिर वलल काफिर अल मुस्लिम। रवाहुल बुखारी की किताब अल फराइद। हजरत इमाम बुखारी हदीस को ऐसे किताब अल फराइद के अंदर लाए हैं, रावी हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई काफिर मुस्लिम का वारिस नहीं हो सकता और कोई मुस्लिम काफिर का वारिस नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, यानी ये आयत करीमा मुजमल थी, उस मुजमल की तफसील बुखारी शरीफ की इस रिवायत ने की। अच्छा, इसी तरीके से आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वल यौम, कि ये जो मस्जिद बनाई गई है इसकी बुनियाद तकवा के ऊपर रखी गई है। ये कौन सी मस्जिद है? खुद सहाबे किराम में झगड़ा हो गया था। आइए वो हदीस देखते, झगड़ा कैसा हुआ। हदीस की तरह वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्न रजुलम मिन बनी अम्र इब्न औफ व रजुलम मिन बनी खुज़रा इमतरया फिल मस्जिद अल्लज़ी उस्सिसा अला तक्वा फ़क़ाल अल औफी हुवा मस्जिद क़ुबा وقال الخضري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال هو مسجدي هذا وفي ذلك خير كثير رواه احمد في مسندي حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری لمسجد اسس على التقوى وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے تو दो कबीले के लोगों ने आपस में झगड़ा किया, इंतेरा किया, इंतराया, दो कबीले के लोगों ने झगड़ा किया, एक
बनी अमर इब्ने औफ। तो औफी ने कहा कि ये मस्जिद मस्जिद कुबा है, और खुदरी ने क्या कहा, कबीले खुदरा का जो था उसने कहा नहीं, ये मस्जिद जिसका तज़किरा इस आयत करीमा में किया गया है मस्जिद कुबा नहीं है बल्कि मस्जिद रसूल है, ये मस्जिद नबवी है। अब दोनों ने कहा चल के इस मामले को क्लियर करा लिया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पास आया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फसअलाहु अन ज़ालिक, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दोनों ने पूछा, आपने मसाले को क्लियर किया, फरमाया इससे मस्जिद कुबा मुराद नहीं बल्कि हुआ मस्जिद ही हादा, इससे मुराद मेरी ये मस्जिद है, यानी मस्जिद उस तकवा से मुराद मस्जिद नबवी है, वो भी दारी का खैरुल कदीर। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुजमल की तफसील फरमाई, यहां मुजमल का तफसील फरमाई, और वहां ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर के अंदर ये हुक्म के अंदर तामीम की वहां तफसील की गई, ये ध्यान रखा जाए। पहले के अंदर मुतलक बात थी उसकी तकीद की गई, और यहाँ मामले के अंदर इजमाल था इसकी तफसील की गई, और जहां ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वाला मतलब था वहां आम बात थी उसकी तफसीस की गई। और इसी तरीके से एक बात और भी जहन में रख लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक और मसला इसी तरीके से दरपेश हुआ कि अल्लाह ने फरमाया अकीमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी इला गसकिल लैल व कुरआन अल फज्र इन कुरआन अल फज्र कान मशहूदा। ये मशहूदा का क्या मतलब है भाई, कुरान फज्र के अंदर पढ़ो, और इसी तरीके से इन कुरान अल फज्र, फज्र का पढ़ना मशहूद है, आयत करीमा का मतलब वादे नहीं हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबहाम की ताइन फरमाई इसलिए कि मशहूदा मुबहम है और इबहाम ताइन को चाहता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर इस इबहाम की ताइन फरमाई गई। हदीस हदीस के साथ वार अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़लु सलातिल जमी अला सलातिल वाहिद خمسون وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة اقرؤوا ما شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن حضرت امام البخاري حديث پاک ایسے کتاب تفسیر کے اندر لایا ہے کہ مشهودا کا کیا مطلب ہے إن قرآن الفجر كان مشهودا। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर फरमाई, इस इबहाम की ताइन फरमाई, कैसे के जमात की नमाज अकेले नमाज के ऊपर 25 दर्जा फजीलत रखती है, या खमसु वईशरून दरजतन है एक जगह, बेसबई वईशरीन दरजतन है। आइए वो हदीस भी देख लेते हैं। हदीस हदीस किस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल सलातुल जमाअति तफ़ज़ुलु सलातल फज्र बेसबई वईशरीन दरजतन रवाहु बुखारी की किताब अल अज़ान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने पर 27 गुना फजीलत रखती है। यह हदीस बता रही है कि 25 गुना फजीलत। आगे फरमाया गया कि इस वक्त फज्र की नमाज में, फज्र की नमाज ऐसी है कि रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते दोनों जमा होते हैं, दोनों की ड्यूटी बदलती है, रात के फरिश्ते चले जाते हैं, सुबह के अंदर वो दिन के फरिश्ते आ जाते हैं। इस तरह मशहूद का मतलब होता है हाजिर, यहां रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते दोनों फज्र की नमाज के वक्त हाजिर होते हैं, ड्यूटियां चेंज होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूद के अंदर जो इबहाम था इस इबहाम को रफा फरमाया। मैं कहता हूं अगर नबी की यह हदीस न होती तो मशहूदन के अंदर जो इबहाम था उस इबहाम को रफा नहीं किया जा सकता था, उस इबहाम की ताइन नहीं हो सकती थी। तो कभी हदीस आती है किसी मुतलक की तकीद के लिए, कभी हदीस आती है किसी मुजमल की तफसील के लिए, कभी हदीस आती है किसी तामीम की तफसीस के लिए, कभी हदीस आती है किसी इबहाम की ताइन के लिए। और मिसालें मैंने आपके सामने दे दी, और आपको मालूम हो गया कि अगर हदीस ना हो तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। वरासत का मसला कितना है हमें, अगर हदीस ना हो तो वरासत का मतलब समझ में नहीं आता। मसला अल्लाह ने इशारा फरमाया يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
एक लड़का है एक लड़की है, बांटना बिल्कुल आसान, लड़के को दो हिस्सा दे दिया जाए, लड़की को एक हिस्सा दे दिया, फिनिश मामला फिनिश। अब अगर लड़के ना हो, लड़के ना हो, खाली एक लड़की हो तो वही कारक वाहिदतन फलन तरके का आधा हिस्सा दे दिया जाए। सवाल यह है कि अगर तरका 10 लाख था, लड़का नहीं है सिर्फ एक लड़की है, अब अल्लाह पर मार एक लड़की हो तो आधा दिया जाए, तरका है 10 लाख का, 5 लाख लड़की को दे दिया गया, सवाल यह कि 5 लाख किसको दिया जाए, कुरान में नहीं है। अब हदीस बताएगी कि ये 5 लाख किन किन को देना है। अच्छा इसी तरह अगर एक लड़की नहीं कई लड़कियां हैं तो सुलुसा मा तारक तमाम लड़कियों को 2/3 दिया जाएगा तरके का, सुलुसा मा तारक मतरू का माने मतरू का 2/3 दिया जाएगा। जाहिर है कि 2/3 दे दिया गया, बकिया जो माल है वो कैसे तकसीम किया जाए, किसको दिया जाए, इसके अंदर में ही बात है। जाहिर है कि अगर हदीस की तरफ ना पलटा जाए और मुहद्दिसीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो फराइज से मुतालिक है अगर उनका तस्करा ना करते तो आप कैसे जान सकते थे कि बकिया जो माल बच रहा है मुस्तहिकीन को देने के बाद उसका क्या किया जाए।